वेलकम बैक टू सीक्रेट माइल्स वंस अगेन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपको जैसा कि पता है, अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग सभी के रिसेंटली वाले देखे होंगे, मैंने एक राइड किया था दिल्ली से हिमाचल प्रदेश का, एंड आई कॉल इट एज द ग्रेट हिमालयन एक्सपेडिशन। इसका जो एक टीज़र मैंने डाला है ना, 3-3.5 मिनट का है, ज़्यादा नहीं है। उसको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट टीज़र। उसमें इस पूरे रोड ट्रिप का जितना भी जो बेस्ट मोमेंट्स है उसको मैंने डाला है। कुछ मोमेंट्स स्टिल रिमेनिंग विथ मी, जो कि मैं आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगा, क्योंकि टीज़र छोटा सा करना था तो इसमें फटाफट मैंने 3-3.5 मिनट का बनाया छोटा सा, उसको ज़रूर देखो। अपार्ट फ्रॉम दैट, दो ब्लॉग्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको भी मिस मत करना। इस ब्लॉग में फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगा मनाली का मॉल रोड, और वहाँ पे अगर आप नाइट में हो, डिनर करना चाहते हो, तो एक जॉनसन्स कैफ़े है, वहाँ पे मैं गया था, मैंने डिनर करी और वहाँ का एम्बियंस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त था। दिवाली जैसी बिल्कुल लाइटिंग, बिल्कुल डेकोरेटेड थे वहाँ पे, प्लस डिनर, लिकर एंड लाइव म्यूज़िक, आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, रोड ट्रिप से आने के बाद जो रूम का हालत है, सी दिस। ये दोनों स्केट्स मैं लेकर गया था अपने रोड ट्रिप पे, ये भी आपको आने वाले टाइम में जल्दी ही दिखने वाला है। प्लस ये मेरा कैंपिंग टेंट और मैट है, एक चेयर भी मैं लेकर गया था साथ में, ये सारी चीज़ें हैं। एनीवेज, स्केटिंग मैंने आपको ऑलरेडी अपने मंडी वाले ब्लॉग में दिखाया था, दैट इज़ एपिसोड नंबर 1। और भी स्केटिंग मैंने किया था ऑन द वे, दैट इज़ अटल टनल के बियॉन्ड, जब मैं सिसु पहुंचा था और लाहौल का जो एरिया स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे मैंने स्केटिंग की थी। तो वो सारी चीज़ें आने वाली हैं, फिलहाल मॉल रोड चलते हैं और वहाँ के एम्बियंस को करते हैं एंजॉय, जॉनसन्स कैफे को करते हैं एंजॉय। लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग गाइस, स्टे ट्यून्ड विद सीक्रेट माइल्स। सो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मनाली के इस मॉल रोड में। नज़ारा आप देखो, बिल्कुल भीड़ भाड़, बहुत ही ज़्यादा लोग आ जाए हैं बिकॉज वीकेंड है, और रात का तकरीबन अभी 8:30 बज रहा है। और मैं आपको बता दूँ, ठंड भी अपने बिल्कुल चरम पे है, टेम्परेचर तकरीबन 2-3 डिग्री सेल्सियस है अभी, और रात में मतलब मिडनाइट में टेम्परेचर -4-6 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर आप हो तो मॉल रोड में आपको स्पेसिफिकली मैं बता दूँ, बहुत सारे आपको शॉपिंग के स्टॉल्स मिल जाएंगे, हिमाचली ड्रेसेस आप खरीद सकते हैं, वुमेंस के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, और खाने पीने के बहुत सारे आइटम्स हैं, लोकल फूड, स्ट्रीट फूड, एवरीथिंग इज़ देयर। लाइटिंग बहुत ही बढ़िया है, ओवरऑल काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर वॉक करते हुए, लोगों को देखते हुए। मौसम भी सुहाना है और माहौल भी सुहाना है, तो थोड़ा सा वॉक करते हैं और आगे चलते हैं। अगर कुछ छोटा मोटा हुआ तो मैं भी करूँगा शॉपिंग। ये देखो, होटल्स हैं, स्टेज हैं यहाँ पे सारे, ज्वेलरी के शॉप्स, गिफ्ट कॉर्नर, सब कुछ आपको मिल जाएगा इस मॉल रोड पे। रात में आप ज़रूर मॉल रोड को घूमिए और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अगर आप मनाली आते हैं तो। मॉल रोड के एंट्री पर ही ना एक स्टैचू लगी हुई होती है, जो कि मैं थोड़ा सा आपको आगे चल कर अभी जूम करके दिखाऊँगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स, लाइटिंग, स्टेज करने के लिए भी अच्छे अच्छे यहाँ पे इतने अच्छे डिज़ाइन के बने हुए होते हैं। जैसा कि आप देखो, हिल्स पे जो बने हुए होते हैं, हट जैसा स्ट्रक्चर, वुडन स्ट्रक्चर्स वाले हाउसेज एंड होटल्स, वो सब देखकर बहुत अच्छा लगेगा आपको। और माहौल काफ़ी वाइब्रेंट है, अच्छा लग रहा है इस क्राउड में। मैंने यहाँ का चाय पिया, काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ का बहुत ही स्पेशल टेस्ट था, और मोमोज भी खाए। देन फाइनली डिनर के लिए कहीं और मैं गया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। आप करो इस जगह को एंजॉय अभी फ़िलहाल। Thank you.
सो फ्रेंड्स, मॉल रोड घूमते घूमते मैं इस छोटे से स्टॉल पे पहुंचा जहां पे इस तरह के बहुत सारे टैग्स लगे हुए थे। और ये जो टैग्स हैं वो प्लाई और लकड़ी के बेस को काट कर बनाए गए हैं और बहुत ही अच्छे लुक के ये स्टिकर्स वाले इफ़ेक्ट देते हैं। मैंने भी लिया कुछ टैग्स, कसोल मनाली और लेह लद्दाख वाला टैग मैंने लिया जो कि मेरे इस राइड का मेमोरी होगा और मैं अपने रूम में इसको रखूँगा। सो दोस्तों, मॉल रोड के बाद अब मैं पहुँचा जॉनसन्स कैफ़े। ये कैफ़े बहुत ही खूबसूरत है, लाइटनिंग आप देख रहे हो अभी, और भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ बहुत ही सुंदर लाइटनिंग्स। और यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कोई क्रिसमस का फेस्टिवल है या दिवाली की फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अंदर भी हम चलेंगे और अंदर में एक बड़ा सा ग्राउंड है, बड़ा सा कैंपस है, बहुत ही अच्छी गार्डनिंग करी हुई है और सारे गार्डन के जितने भी प्लांट्स हैं उस पर लाइटिंग्स से काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। तो अभी हम फ़िलहाल चलते हैं इसके अंदर, इस कैफ़े को थोड़ा सा बाहर से करेंगे शूट, उसके बाद अंदर चलेंगे और देखते हैं क्या है नज़ारा।
सो दोस्तों, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मनाली का मॉल रोड और ये जॉनसन्स कैफ़े बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, और लाइव म्यूज़िक ने तो बिल्कुल जान डाल दिया मेरे इस वीडियो में, मेरे उस मोमेंट में। सो ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। जल्दी ही मैं लौटूंगा मनाली से आगे के सफ़र में आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद सीक्रेट माइल्स। बाय बाय।